आज तक देख रहे हैं बंगाल चुनाव का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के एक नेता पर आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में उनके सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। श्रीनगर में बीजेपी नेता पर यह आतंकी अटैक हुआ है। नौगाम में बीजेपी नेता के घर पर निशाना बनाया गया और इस आतंकी हमले में सुरक्षा कर्मी शहीद हो गया है। बीजेपी नेता अनवर भट्ट के घर पर यह हमला हुआ है और अनवर भट्ट के घर पर तैनात सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई है। पुलिस कर्मी का हथियार आतंकवादियों ने छीन लिया था। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अनवर भट्ट अपने घर पर ही थे और घर पर ही ये आतंकी हमला हुआ है। उनके घर पर फायरिंग की गई। अस्पताल में सुरक्षा कर्मी ने दम तोड़ दिया। घायल सुरक्षा कर्मी को अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। आतंकवादी ने बीजेपी नेता अनवर भट्ट के घर पर फायरिंग की है और उनके घर पर तैनात सुरक्षा कर्मी इस फायरिंग में शहीद हो गया। अशरफ वाणी हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं, बताइए अशरफ। रोहित, दरअसल ये दूसरा हमला है नेताओं पर, खासतौर से बीजेपी नेताओं पर कश्मीर में। पिछले हफ्ते हमने देखा सोपोर में पार्षदों की बैठक हो रही थी, उसमें दो पार्षद मारे गए थे और एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। आज श्रीनगर के नवगाम इलाके में आरीबाग एक कॉलोनी है जहां पर बीजेपी के नेता जो हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट कुफवारा अनवर खान वो रहते हैं, उनके घर पर ये आतंकी हमला हुआ। उनका जो बॉडीगार्ड था घर पर सुरक्षा के लिए तैनात, उस पर गोलीबारी हुई, वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उनका हथियार भी छीना गया है और उन्हें जब गंभीर हालत में अस्पताल लिया गया तो अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। तो अब पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है और हमलावरों की तलाश जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी चुनौतीपूर्ण मामला जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन खासतौर से सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ, क्योंकि लगातार जिस अंदाज से नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, पहले सोपोर में पार्षदों पर हमला हुआ और उसके बाद आज बीजेपी नेता जो कि कुपवारा के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनके घर पर हमला हुआ है। वो घर के भीतर मौजूद थे लेकिन वो तो सुरक्षित है, लेकिन उनका जो बॉडीगार्ड है पुलिसकर्मी है वो इस हमले में मारा गया है और उसका हथियार भी जो है वो आतंकियों ने छीन कर वहाँ से भागने में कामयाब रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ वानी फिलहाल जानकारी देने के लिए। जम्मू कश्मीर में हफ्ते के भीतर ये दूसरा मामला, बीजेपी के नेता को निशाना बनाया गया, उनके घर पर आतंकी हमला हुआ, इस हमले में सुरक्षा कर्मी की जान चली गई है। पुलिस कर्मी जो वहां पर तैनात था उससे हथियार आतंकवादियों ने छीन लिया। अनवर भट्ट नाम के ये नेता, नौगाम इलाके में इनका घर और वहां पर आतंकवादी हमला हुआ। इसके पहले 30 मार्च को सोपोर में पार्षदों की मीटिंग पर हमला हुआ था जिसमें दो पार्षद और एक पुलिसकर्मी मारे गए थे, अशरफ वानी बता रहे हैं। आज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अनवर भट्ट के घर पर जो हमला हुआ है उसके बाद।